الرحمن الرحيم ونستعين <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد عن أن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال यत् विल और अला मक्का वमदीना अल हदी हज़र निगरामी दजजाल के तल्लु से ये हदीस है सिलसिलेदी सिया की हदीस नंबर तीन हज़ार अस्सी पर तीन है अस्सी पर चार है और उसके अलावा सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी ये रिवायत है दज्जाल जिसके ताल्लुक से प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आदम की पैदाइश से लेकर क़यामत की सुबह तक का सबसे बड़ा फितना होगा सबसे बड़ा फितना होगा और आखिरी ज़माने में दज्जाल का जिक्र उठ जाएगा मेंबरों व महराब से दज्जाल के बारे में ज्यादा बयान नहीं होगा हम और आप भी बहुत खाल खाल सुनते हैं दज्जाल के ताल्लुक से जबकि प्यारा नबी वसल्लम का यह मामला रहा कि नबी ने फरमाया कि देखो अल्लाह ताला ने जिस भी न, जिस किसी नबी को भेजा है हर नबी ने अपनी उम्मती को अपनी कौम को दज्जाल से चौकन्ना किया दज्जाल से डराया है दज्जाल से चौकन्ना किया है सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम भी खुद साहब कराम को सुबह से लेकर शाम तक दज्जाल के बारे में बयान किया हर नमाज के सलाम फिरने से पहले तशहद में बैठ के मिनफित तिल मसीह दज्जाल मसीह दज्जाल के फितने से पना मांगने के लिए कहा गया इतना बड़ा फितना है ये तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं कि दज्जाल के माने क्या है दज्जाल ये अरबी जबान का लफ्ज दाल जीम लाम रोटवर है इससे निकला है जिसके माने होता है धोखा देना झूठ बोलना दज्जाल ये मुबालगा का सेगा है सुपरलेटिव डिग्री है यानी बहुत बड़ा धोखेबाज बहुत बड़ा झूठा मक्कार दज्जाल के माने होता है दज्जाल को मसीह भी कहा जाता है ईसा अलैहि सलाम को भी मसीह कहा जाता है मसीह मसाह मीम सीन हा रोटवाड इसके अंदर दो तीन माने आते हैं एक माना मसा करना छूना टच करना आता है मसा करते साख का मसा सर का मसा चूंकि ईसा छूते टच करते तो बीमारों को शिफा मिल जाती थी इसलिए उनको मसीह कहा जाता है और यही काम दज्जाल भी आखिरी जमाने में करेगा अल्लाह ताला उसको वो ताकत देगा कि वो किसी चीज को छुएगा तो वो अब नदी सूखी है कहेगा कि बह पड़ नदी बहना शुरू हो जाएगी बारिश नहीं आसमान से कहेगा बारिश बरसा बारिश बरसना शुरू हो जाए ये आजमाइश के लिए अल्लाह ताला उसको देगा और मसाह के एक माने होता मिटाना मसाह करना मिटाने के माने में भी आता है जैसे बोर्ड को मिटाना कहते हैं मसाह मिटा दो उसको चूंकि ईसा सलाम शर को मिटाने वाले हैं और दज्जाल खैर को मिटाने वाला है इसीलिए मसीह तीसरा माना मसीह का मसाक एक माने होता है सैरो सियाहत करना घूमना फिरना चूंकि दज्जाल इस हदीस में वही है कि दज्जाल सारी दुनिया में चुप्पे चुप्पे में जाएगा घूमेगा फिरेगा मक्का और मदीना जा नहीं पाएगा सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा और दज्जाल की तरह ईसा सलाम भी वो भी सारी दुनिया बहुत सारी जगहों में सैरों से याद करेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो ये मसा मसीह के माने हुआ और आखिरकार मसीह मसीह को ही कत्ल करेंगे ईसा मसीह मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब साहब इकराम को एक दिन भर दिन रात आपने समझाया दज्जाल के ताल्लुक से साहब इकराम परेशान हो गए शायद कि दज्जाल आ जाए वो खिजुरू के बागात में जाके ढूंढने लगे नबी ने मुस्कुरा मुस्कुरा के कहा कि देखो जी अगर दज्जाल मेरी मौजूदगी में आ जाए मैं उससे निमट लूंगा और अगर मेरे जाने के बाद आए तो में से हर आदमी अपने ईमान की हिफाजत करना और नबी ने फरमाया, कयामत से पहले तीस से जायद दज्जाल आएंगे बड़े दज्जाल बड़ा दज्जाल आने से पहले तीस से जायद दज्जाल आएंगे तीस कभी अरबी जबान में कसरत के लिए इस्तेमाल होता है मतलब यानी ऐसे झूठे मक्कार झूठ बोलने वाले धोखेबाज बहुत आएंगे जो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे उनकी बातों में लगेगा कि बहुत अच्छी बातें करके अच्छी अच्छी चीजें कर देंगे लेकिन झूठा मक्कार अय्यार ये वो बड़े दज्जाल बड़ा दज्जाल से पहले के ये छोटे छोटे दज्जाल होंगे जो नबी ने फरमाया कि तीस से ज्यादा दज्जाल आएंगे धोखेबाज मक्कार हर काम उल्टा करके दिखाएगा हर चीज में वो धोखा देगा यहां तक कि उसका फितना होगा कि जब वो आएगा सारी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल जाएगा इतना फितना होगा कि नबी ने फरमाया दज्जाल के फितने में मुबतला होने वाले सबसे ज्यादा यहूद औरतें और औरतें और यहूद यहां तक के मर्दों को अपनी औरतों को जंजीरों से बांध के रखना पड़ेगा वरना छोड़ देंगे तो दज्जाल के फितने में उबतला और क्यों ना हो वो आएगा दज्जाल आके किसी गांव देहात में जाएगा कहेगा कि भाई मैं रब हूं मान लो मुझे कैसे माने कहा अगर मैं सब कुछ कर सकता हूं बारिश चाहिए आसमान बारिश बरस बरस जाएगा नदी सूख गई है बहना शुरू हो जाए इसके हुक्म से अच्छा इसमें भी यकीन नहीं आया मैं तुम्हारे बाप दादा परदादाओं में से किसी के बारे में बोलो मैं उसको जिंदा करके दिखाता हूं अच्छा हाँ मेरे लकड़ दादा उसको पैदा करके दिखा आएगा जिंदा होगा क्या कि बेटा मान ले ये तेरा रब है हा अरे वो कह गया भाई मेरा जो है परदादा लकड़ दादा दादा, दादा आ गए हैं अब ये तो बहुत बड़ा है मरे लोगों को जिंदा करके दिखाएगा ये सब अल्लाह ताला उसको देगा क्यों फितने के तौर पर फितने के लिए आजमाएगा कि देखे कौन इसके फितने में मुफ्तला होता है लेकिन जिसके पास ईमान होगा उसके पेशानी पे काफिर लिखा हुआ होगा वो पहचान लेगा उसको लाख तकलीफ देगा परेशान करेगा वो ईमान से हटेगा नहीं जो उसकी बात मान लेगा एक हाथ में जन्नत एक हाथ में आग मान लो ये देखो सब मेरे पास है क्यों रब नहीं मानोगे मुझे मैं तो सब कुछ कर रहा हूं जन्नत है जहन्नम है एक बात यहां नोट कीजिए कि ये जो जमाने की तरक्या है अल्लाह तला दे रहा है दे रहा है यह आजमाइश है ईमान का सौदा करना नहीं है दज्जाल को अल्लाह ताला सब देगा यहां तक के जब वो समझेगा कि सारी दुनिया का मालिक तो मैं हो चुका हूं जब इंसान को ये गुरूर और आ जाए कि अब तो सारी दुनिया पे कब्जा मेरा है उस वक्त अल्लाह ताला खत्म करेगा उसको उस वक्त खत्म करेगा अब आइए मुख्तसर में आपको बता देता हूं होता क्या है दज्जाल का जिक्र ऐसे होते होते रह जाता है अब सवाल यह पैदा होता है दज्जाल है कहां क्या वो जिंदा है पैदा हुआ या होगा दज्जाल ऑलरेडी पैदा होके जिंदा है कहां है कैसे है मैं आपको बहुत लंबी रिवायत है दो चार मिनट में सुना देता हूं सही मुस्लिम की एक लंबी रिवायत है तमीम उद्दारी एक सहाबी तमीम उद्दारी एक सहाबी जो क्रिश्चियन थे उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपना आंखों देखा हाल बयान किया तमीम उद्दारी इस्लाम कबूल करके आए नबी को अपना पूरा वाकया बयान किया नबी इतने खुश हो गए नबी ने कहा कि लोगों को जमा करो लोगों को जमा करो सबको जमा किए नबी मुस्कुरा रहे थे कहा कि देखो जी मैं तुमको इससे पहले बताता था दज्जाल के बारे में ये देखो आंखों से देख कर आए सुनो मैं जो बताया हो बहु ये देख के आए मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं बताता हूं रब की तरफ से तमीमुद्दारी ने कहा कि देखो हम लोग चालीस लोग या तीस लोग समंदर के सफर के लिए निकले मुसलमान नहीं थे समंदर के सफर के लिए निकले, निकले निकल गए तकरीबन तीस चालीस रोज से महीना भर हम लोग समंदर में तलातुम खाते रहे मौज मस्ती करते रहे फिरते रहे उस जमाने में करते थे लोग एक शाम का वक्त था हमको एक आइलैंड मिल गया एक जजीरा मिल गया हमने सोचा भाई गनीमत है बहुत दिनों के बाद एक खुशकी मिली है चलो जाके आराम करते कुछ पका लेते कुछ देख लेते हैं उतरे हम लोग आइलैंड में शाम का वक्त हो चुका था अंधेरा छा रहा था हम सब ग्रुप ग्रुप हो गए दो चार दो चार लोग ग्रुप होके जगह बनाना शुरू किए कि कहा हम लोग रात गुजारेंगे टेंट लगाना है हम लोग ढूंढी रहे थे अचानक एक औरत नजर आई अंधेरा छा रहा था धुंधला सा हो गया एक औरत नजर आई और औरत भी कैसी पिछला हिस्सा सब बाल से ढका हुआ है बाल से ढका हुआ है सर से पैर तक बाल हम लोग चौंक गए शायद कोई शैतानी होगी उसके बाद उसने कहा कि ठहर जाओ तो हम लोग डर गए और हम में से बाज का नाम लिया नाम लेकर कहा कि रुक जाओ तुम अरब से आए हो ना क्या हां तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं यहां पर कहा कौन है कहा मैं जासूस हूं अनल जसासा। मैं जासूस हूं यहां किसकी जासूसी कर रही है यह कौन है? है है वो चलो मेरे साथ चलो अब उनके साथ हो गए दूर जाने के बाद एक बहुत बड़ा महल है कहा महल में एक आदमी है हम उनकी तरफ से जासूसी कर रहे हैं चलो उनके पास अरब के लोगों का इंतजार है उनको अच्छा हम चले गए जाकर हमने देखा एक आदमी है जो नाटे कद का है घुंगरेले बाल है सीना चौड़ा है और अजीब मखलूक है आज तक हमने देखा नहीं उसे इंसान इतनी ताकत है उसको जंजीरों से बांध के रखा गया गले के साथ हाथ पैर मिलाकर जंजीरों से बांधा गया उसी हालत में वो एक छलांग लगाता आसमान को जाता है वहां से गिरता है कुछ नहीं होता उसको इतनी ताकत उसको है हमने आज तक ऐसे मखलू नहीं देखा उसके बाद हम लोगों को देखने के बाद वो रुक गया ठहर थेर गया ठहरने के बाद पूछा के भाई कि भाई अरब से आए हो क्या आया होगा कुछ नहीं परेशान मत हो जाओ मेरे चार सवाल के जवाब दे दो चले जाओ चार सवाल के जवाब है अरबों में एक नबी आए हैं आए हैं तब तो मेरे निकलने का वक्त भी करीब आ गया है आखिरी नबी आने का मतलब आखिरी दौर शुरू हो चुका है लोगों ने क्या किया कुछ लोगों ने माना कुछ लोगों ने नहीं माना क्या जिन्होंने माना बहुत अच्छा किया है कहा कि तभी तो हम सोच के भाई मुसलमान होना चाहिए फिर उसके बाद उसने सवाल किया कि बैसान बैसान एक खजूर के बाग का नाम है कहा कि वहां पर खजूर लगते हैं कहा कि हाँ खजूर लगते एक जमाना आएगा खजूर नहीं लगेंगे पानी सूख जाएगा फिर दो नहर के बारे में नहर जगर और एक बाहर तबरिया तबरिया ये सब शाम में है ये सब शाम में है कहा कि ये शाम के जो ये समंदर है उसमें पानी है बहुत पानी है नहरे जगर में पानी हाँ पानी है एक जमाना आएगा ये सब सूख जाएगा याजूज माजूज का वहां से गुजर होगा सब पी जाएंगे वो पानी नहीं मिलेगा वो खेतीबाड़ी करने के लिए नखलस्तान सूख जाएगा एक जमाना आएगा कि तुम कौन हो भाई तो कहा कि मैं दज्जाल हूं अन दज्जाल मैं दज्जाल हूं अच्छा यहां क्यों कह अल्लाह ने मुझे यहां कैद करके रखा है दज्जाल आदम की औलाद में से ही है इंसान में से ही है लेकिन उसकी अलामत ने भी नहीं बताई कि देखो वो चौड़े सीने वाला होगा पसकद नाटे कद का होगा घुंघरे बाल उसके होंगे और उसकी पेशानी पे काफिर लिखा होगा उसकी एक आंख पिपकी हुई होगी एक आंख वाला नहीं दोनों आंखें होगी अब लोग क्या है मीडिया में यार एक आंख वाला पैदा हुआ है नहीं एक आंख वाला नहीं आंखें उसकी दोनों होंगी लेकिन उसकी जो राइट आई है उसके जो दहनी आंख है वो पितकी हुई होगी कैसे नबी ने मिसाल देते हुए फरमाया एक अंगूर बड़ा सा अंगूर है वो अगर सड़ जाए आपने उठाकर अगर अगर दीवार पे मार दिया तो कैसे पितक जाएगी उसकी एक आंख उसकी उभरी हुई होगी पितकी हुई होगी और आदम के औलाद में से ही है बहुत ताकत उसको होगी अल्लाह ताला उसको कहा कि देखो अब आखिरी जमाना आएगा अल्लाह तला मुझे यहां से निकालेगा

फरिश्ते तलवार लेके इंतजार करेंगे और उस जमाने में तलवार की जंग होगी सारे मीडिया इलेक्ट्रॉनिक सामान सारी टेक्नोलॉजियां खत्म हो जाएगी सारी टेक्नोलॉजिया खत्म हो जाएगी उस जमाने में तलवार की जंग होगी हाँ तो उस वक्त तलवार लेके फरिश्ते इंतजार करेंगे वहां से मार मार के भगाएंगे मक्का और मदीने में भी कुछ गलत लोग होंगे मक्का और मदीने में जलजला आएगा उससे डर के जो लोग बाहर जाएंगे वो दज्जाल के फितने में मुबतला हो जाएंगे जो वहां पर टिके रहेंगे दज्जाल के फितने से महफूज रहेंगे फिर वहां से वो जाएगा मुल्क शाम की तरफ बैतुल बैतुलिस में और ईसा सलाम महदी वहां पर ऑलरेडी मौजूद होंगे दरवाजा खोलते ही देखेंगे ईसा सलाम अब वो ऐसे पिघलने लगे अब तक तो बड़ा जोर दिखाएगा ईसा आल सलाम को देखकर ऐसे पसीना पसीना हो जाएगा अभी ने कहा कि जैसे पानी में नमक पिघल जाता है भाग निकलेगा ईसा सलाम पीछा करेंगे बाबे लुद एक जगह है वहां पर उसको कत्ल करेंगे कत्ल करेंगे और खून दिखाएंगे देखो ये रब नहीं है रब होता तो मैं इसको कत्ल नहीं कर सकता था ये भी एक इंसान है मसीह दज्जाल को ईसा मसीह खत्म कर देंगे दज्जाल का फितना खत्म अब इंसाफ होगा अदल इंसाफ होगा ईसा और महदी मिलकर बेहतरीन हुकूमत कायम करेंगे उसी जमाने में यहूदियों को चुन चुन के कत्ल किया जाएगा जहां पर छुपने की कोशिश